Okay, so good evening, everybody. My name is Tarun Agarwal, and the purpose of today's webinar, जो हमारी online जो meeting हम लोग करते हैं weekly, आज का जो purpose है वो ये है कि हम लोग कुछ products के बारे में discuss करने वाले हैं. So next 30 to 35 minutes ये छोटी सी training है, उसमें मैं आपको चार products हैं हमारे forever living product के, उसके बारे में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ. ये जो products हैं ये skin care के product हैं, और एक तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोगों को इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि डेली यूज के प्रोडक्ट हैं. तो बीइंग अ गुड बिजनेसमैन, बीइंग अ गुड प्रोडक्ट यूजर, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दीज प्रोडक्ट्स. ओके, सो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप जो ये वेबिनार को ले रहे हैं इसका पर्पस क्या होना चाहिए, कि आप कुछ नॉलेज लें मेरे से. ओके, सो द पर्पस ऑफ दिस वेबिनार इज टू शेयर प्रोडक्ट नॉलेज विद यू. आप आज के सेशन के बाद चार प्रोडक्ट जो हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की उनकी नॉलेज आपको हो जाएगी, बट इस नॉलेज के थ्रू आप इस बिजनेस को मत करिएगा, क्योंकि ये जो नॉलेज होगी ना, ये नॉलेज होगी जस्ट एक तरीके से किताबी नॉलेज, जिसमें सिर्फ आपको नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, बट जो रियल नॉलेज जो होती है वो तब आती है जब आप इस प्रोडक्ट को खुद यूज करें. तो आज का जो वेबिनार है, ये वेबिनार लेने के बाद बस आपका ये एम होना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को खुद से पहले यूज करें, उसके बाद लोगों को शेयर करें. बिकॉज अगर आप सिर्फ इस नॉलेज से लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो उस नॉलेज को बोलते हैं आप एक सेलर की तरह काम करेंगे वरना. ठीक है, आज की नॉलेज जो मैं आपको दूंगा, मैं ये नॉलेज इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट को मैं खुद यूज कर चुका हूँ, तो इसलिए आई हैव अ कन्विक्शन इन माई टोन. तो जब आप खुद यूज करेंगे देन यू विल बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर, तब आपकी बातों में कन्विक्शन होगा, कन्विंसिंग टोन नहीं होगी. तो बीइंग द पार्ट ऑफ द टीम, बस मैं आप सभी लोगों को मैं यही गाइड करूंगा, नॉलेज लीजिए प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को खुद यूज करके रियल प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, एंड देन शेयर दैट सेम नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस विद योर नोन्स, विद योर प्रोस्पेक्ट, विद योर कस्टमर. तो इसी मेंटेलिटी से हम लोग इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है आज जो हम लोग शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है एलो स्क्रब. ओके, तो एज आई सेड कि स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट हैं ये. एलो स्क्रब जो है ये एक ट्यूब के फॉर्मेट में आता है, और ये इट हैज स्टेबलाइज्ड एलोवेरा. आप जानते हैं जो स्क्रब होता है वो फेस पे लगाने के लिए होता है, इवन आप अलग मतलब हैंड्स में भी लगा सकते हैं स्क्रब को. तो ये जो फॉरएवर एलो स्क्रब के अंदर ये खास बात क्या है, वो ये है कि इसके अंदर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा होता है. इसके जो जैसे अगर आपने और भी कोई स्क्रब यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि कुछ एक तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब के अंदर, जब आप उसको रब करते हैं अपने फेस पे तो फिर आपको एक फीलिंग होती है कि जैसे कुछ आप घिस रहे हैं अपने फेस पे, कुछ घिस रहे हैं. तो वो जो चीज एलो स्क्रब, फॉरएवर एलो स्क्रब के अंदर जो है, दैट इज जोजोबा ऑयल, जिसको कोई लोग जोजोबा ऑयल कहते हैं, कुछ कुछ होहोबा ऑयल कहते हैं, होहोबा. ओके, तो ये जो होहोबा ऑयल जो है, दिस इज एन हर्ब जिसकी वजह से आपकी जो स्किन जो है, स्किन के लिए दिस इज वेरी वेरी गुड. एंड ये इतना जेंटल है, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि स्क्रब डेली नहीं करना चाहिए वरना स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट फॉरएवर का जो एलो स्क्रब है, दिस इज सो जेंटल कि आप इसको डेली यूज कर सकते हैं. ओके, तो इसके बारे में एक छोटी सी एक वीडियो है, आपको मैं वो वीडियो पहले दिखाना चाहूंगा, उससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट्स सी दिस वीडियो. Hi, I'm Becky Dealey, and I've been with Forever for just over 3 years now, and I absolutely love the products. And today I'm going to be talking about Aloe Scrub. Aloe Scrub is a great non-invasive way to remove old dead skin cells and expose the new radiant skin underneath. The great thing about this exfoliating scrub is that we don't use plastic microbeads. Instead, we use microspheres of jojoba oil which gently roll over the skin. This removes the dead skin cells that clog pores and cause the skin to look dull. This superb scrub is gentle enough to use every single day, which is fantastic since exfoliating is a great way to prepare your skin before using creams and serums. Aloe Scrub will leave your skin feeling fantastic all day long, and each tube contains 99 grams of formula. Simply apply a small amount to your face and body by gently massaging the skin with wet fingertips in a circular motion. Do this for 2 to 3 minutes and be careful to avoid the eye area. Rinse thoroughly and pat dry with a clean, soft towel. Aloe Scrub proudly wears the International Aloe Science Council seal of approval. It's suitable for vegetarians and it's also approved by Leaping Bunny. Discover more about our other amazing Forever products by watching the remaining videos in our collection. Thanks for watching.
एक छोटी सी ये वीडियो थी जो जिसमें बताया जा रहा है कि हेलो स्क्रिप्ट के बारे में. सो आपने इस वीडियो में देखा होगा कि हाउ टू यूज दिस हेलो स्क्रिप्ट. तो जेंटली अपने फेस पे आप इसको यूज कर सकते हैं. अब एक और बात ये होती है कि ये जो हेलो स्क्रब है ये लेडीज का प्रोडक्ट है, मतलब कि एक तरीके से लेडीज इसको यूज करती हैं, बट ऐसा नहीं है. इवन ये जो फॉरएवर के जो स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन बोथ. ओके, बिकॉज एलोवेरा एक ऐसी एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि कॉस्मेटिक्स और मेडिसिनल दोनों प्रॉपर्टी रखता है. दिस इज एलो स्क्रब जिसके अंदर स्टेबलाइज एलोवेरा होता है. हर टाइप की स्किन के लिए दिस इज गुड. अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड. अगर आपका फेस ड्राई रहता है देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड. अगर आपका स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है तब भी ये बहुत ही अच्छा है. सो बिकॉज ऑफ एलोवेरा इट सूट्स एवरी काइंड ऑफ स्किन एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच यू कैन यूज डेली. तो हर दिन इसको यूज कर सकते हैं. और इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसके अंदर एलोवेरा है एंड जोजोबा ऑयल के कुछ पार्टिकल्स हैं. तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन में प्रॉपर मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को एंड स्किन के अंदर जो भी डलनेस होती है उसको रिमूव करता है एंड स्किन को हाइड्रेट रखता है, प्रॉपर नरिश एंड हाइड्रेट. ओके, सो विटामिन ई एक ऐसा विटामिन होता है जो कि स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है. ओके, तो विटामिन फॉर स्किन इज विटामिन ई. इसके अंदर विटामिन ई होता है, एलोवेरा है, जोजोबा ऑयल है. ऑल इन ऑल एक तरीके से इट इज अ वेरी इट डज नॉट हैज एनी केमिकल. सो आप कोई भी इसको लगा सकता है. ओके, तो मस्ट हैव प्रोडक्ट. मैं इसको यूज कर चुका हूँ. मेरी वाइफ इसको यूज करती हैं और बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं जो एलो स्क्रब यूज करते हैं. सो इसको यूज करके देखिएगा हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट. जैसे इसमें डायरेक्शन लिखा हुआ है, अप्लाई टू द वेट फेस. जैसे अब जब आप नहा रहे होते हैं उस टाइम पे जब आप फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश करने के बजाय या पहले क्लिनसर यूज करने के बाद आप एलो स्क्रब यूज कर सकते हैं. और जेंटली इसको अपने फिंगर टिप से इसको मसाज करिए. ओके, फॉर 2 to 3 minutes एंड सर्कुलर मोशन में इसको यूज करिए और फिर उसके बाद इसको पानी से धो लीजिए. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इसको एलो स्क्रब को जो हम यूज करते हैं तो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो पोर्स ओपन हो जाते हैं. और वो जो पोर्स ओपन होते हैं उसके बाद हमें कुछ क्रीम लगानी चाहिए. हमको ऐसे खाली नहीं छोड़ देना चाहिए बिकॉज जब पोर्स ओपन हो जाते हैं उसके बाद कोई भी डस्ट पार्टिकल उसके अंदर आ सकते हैं एंड देन हमारे फेस पे स्पॉट्स या फिर हमारे फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं. तो एलो स्क्रब एक तरीके से डीप क्लिनजिंग के लिए इट इज वेरी वेरी गुड. बट जस्ट आफ्टर एलो स्क्रब यू शुड यूज सम गुड मॉइस्चराइजर एंड फॉर एवर के आपको पता ही है हमारे पास बहुत सारे मॉइस्चराइजर है. और क्लीन टॉवल कुछ क्लीन कपड़े से इसको साफ करिए. ओके, सो एलो स्क्रब के बारे में बस मैं ये बोलूंगा कि एक तरीके से डेली क्लेंजर की तरह आप इसको भी डेली यूज कर सकते हैं. इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर हम बात करें, एक हो गया इन टर्म्स ऑफ कस्टमर इट इज गुड टू यूज, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर हम देखें ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर हम किसी कस्टमर को सही तरीके से उनको डेमो दिखाएं या उनको अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं अगर आप उनको एलो स्क्रब यूज करने के लिए जस्ट एग्जाम्पल के तरह उनको देते हैं कि यूज करके देखिए एक बार, इट इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. इस प्रोडक्ट के थ्रू यू कैन गेट अ कस्टमर हु विल बाय दिस प्रोडक्ट एवरी मंथ. बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर में हर कोई यूज कर सकता है, नॉट ओनली फॉर लेडीज, इट कैन बी यूज बाय एनीबडी. ओके, सो वेरी गुड प्रोडक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मरीन मास्क. देखिए फॉरएवर मरीन मास्क, तो अगेन जो ये फेस मास्क है, और अगेन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फेस मास्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज यूज करती हैं, जेंट्स भी आजकल उतने कॉन्शियस हो गए हैं ये सब प्रोडक्ट यूज करने के लिए. आप देखेंगे जो सलून और ब्यूटी पार्लर जो होते हैं मैन और वुमेन दोनों ही सेम हेड काउंट होता है दोनों का, और इक्वली मैन भी उतने ही कॉन्शियस हैं कुछ अच्छा प्रोडक्ट यूज करें, अपना फेस क्लीन रखें. तो उसके लिए एलो स्क्रब जब आप यूज करते हैं उसके आगे मरीन मास्क आप यूज कर सकते हैं जिससे कि इट हेल्प्स टू मॉइस्चराइज योर स्किन वेल एंड मच मोर डीपर क्लींसिंग के लिए इट इज वेरी वेरी गुड. इसको आप डेली यूज मत करिए. एलो क्लींसिंग क्या होता है, एलो मरीन मास्क क्या करता है फॉरएवर का, इट हेल्प्स फॉर डीप क्लीनिंग ऑफ द स्किन. इसके अंदर हनी और कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट होते हैं जिससे कि आपको काफी ठंडक सा फील होगा अपने फेस पे. ओके, तो हनी एलोवेरा एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है और कुछ नेचुरल
सी मिनरल्स इसके अंदर होते हैं जो कि हमारी स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सी कैल्प एंड एल्गे. सी कैल्प और एल्गे ये एक तरीके से जो समुद्र में उगने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं ना उनका नाम है. ओके समुद्र में जो कुछ प्लांट्स उगते हैं ये उनके नाम है जो अगर आप फेस पे अपनी स्किन पे अगर इसको यूज करेंगे देन इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन. मरीन मास के बारे में एक छोटी सी वीडियो है, चलिए वो देखते हैं सो दैट वी गेट मोर क्लैरिटी अबाउट इट एंड देन उसको आगे डिस्कस करते हैं. I'm Kate Lewis and I work in business owner support as a product advisor. Today I'm going to be talking about marine mats. Marine mats provides deep cleansing and balance the skin's texture with the help of natural sea minerals such as sea kelp and algae, as well as the moisturizing and conditioning properties of aloe vera, honey and cucumber extract. After thoroughly cleansing your face, spread the marine mats in an upward and outward motion over the entire face, avoiding the eye area. You would then leave the marine mats to dry between 15 and 20 minutes. Once the 15 to 20 minutes is up, remove the marine mask with a marine cloth. A great tip for marine mats is it can be applied to hands and feet as part of a manicure or a pedicure, and also to the back as a decongestion. देखिए उन्होंने इस वीडियो में थोड़ा सा डेमो करके दिखाया कि कैसे मरीन मास्क यूज कर रहे हैं वो. तो मरीन मास्क को क्या होता है कि आप पहले स्किन पहले अपने फेस को क्लीन करने के बाद चाहे वो क्लेंजर के थ्रू करें चाहे स्क्रब के थ्रू करें उसके बाद मरीन मास्क को अप्लाई करिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करके ऐसे करके इसको अप्लाई करके आप कम से कम 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दीजिए सो दैट इट गेट्स ड्राई. सूखने के बाद फिर आप इसको किसी गीले कपड़े से किसी कपड़े से इसको साफ कर दीजिए. ओके तो दिस इज हाउ इट यू कैन यूज इट. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला है कि समुद्र में उगने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें जो कि हमारी स्किन के लिए स्किन के ग्लो के लिए और ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए दिस इज वेरी वेरी गुड. विटामिन ई विटामिन सी एंड विटामिन ए होता है. कुकुम्बर जैसे मैंने आपको बताया हनी तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर हैं तो दैट आप की स्किन जो है यू विल फील वेरी रिफ्रेश्ड एंड रिवाइटलाइज्ड. ऑलराइट सो स्क्रब यूज कर सकते हैं उसके आगे मरीन मास्क 15-20 मिनट के लिए लगा के आप छोड़ सकते हैं एंड देन इसको हफ्ते में एक बार ट्राई हफ्ते में एक बार करिए हफ्ते में दो बार करिए. इट इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट एंड आपका जो फेस अगर निखरेगा तो अभी अपने आप ही लोग पूछेंगे भाई क्या है आजकल क्या यूज कर रहे हो तो आपके लिए पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बोल पाएंगे कि भाई फॉरएवर का कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. तो इसको कैसे यूज करते हैं वैसे मैंने बताया था अभी बट जनरसली यू कैन अप्लाई इट आफ्टर क्लीनिंग योर फेस अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में इसको पूरे इंटायर फेस में लगाइए आंखों में नहीं जाना चाहिए. 15 से 20 मिनट इसको रोक के रखिए और फिर उसके बाद या तो गर्म पानी से गर्म पानी और एक सॉफ्ट क्लोथ से इसको रिमूव कर दीजिए और ट्वाइस अ वीक इसको यूज कर सकते हैं हफ्ते में दो बार. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा चलता है जल्दी ख़त्म नहीं होता बहुत ज़्यादा चलता है. अगर किसी को भी अगर आप ये देते हैं प्रोडक्ट किसी के फेस में पिंपल्स हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है आप उसको ये बोलिए कि सो दैट उसकी स्किन उसके जो फेस जो है एवरी वीक अगर दो बार ये करते हैं वो तो बहुत ही फायदा होगा उनके पिंपल्स और जो भी स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए मरीन मास्क. ऑलराइट सो बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स हैं विच आर वेरी वेरी गुड फॉर अवर स्किन. तो मरीन मास्क मैंने भी यूज़ किया है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो नहीं करता हूँ मैं बट मेरी वाइफ इसको बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं. तो मरीन मास्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इसको भी इसको ट्राई करके देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत ज़्यादा चलता है ये प्रोडक्ट. तो इसको यूज़ करेंगे आपको रियली तो आपको फील होगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं. ओके नेक्स्ट स्किन केयर का जो प्रोडक्ट है दैट इज एलो लोशन. एलो लोशन ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है एक होती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम एक होता है लोशन. दिस इज एलो लोशन. तो दिस इज वन ऑफ द FLP सिग्नेचर प्रोडक्ट मतलब कि वन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि फॉरएवर खुद कहता है कि दिस इज द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट. इट इज अ ऑल पर्पस लोशन हर टाइप की स्किन के लिए आप इसको लगा सकते हैं. कुछ कुछ क्रीम होती हैं जो ऑयली स्किन वाले नहीं लगाते हैं बट ये इतना बढ़िया लोशन है जो कि गर्मियाँ हों चाहे फिर या फिर सर्दियाँ हों अब हर वेदर में या फिर इवन चिपचिपा जो वेदर होता है वो बारिश वाला उसमें भी इसको लगा सकते हैं बिकॉज इसमें कहीं पर भी आपको चिपचिपा नहीं फील होगा बॉडी में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है. नॉन स्टिकी लोशन है
इसके अंदर भी एलोवेरा जोजोबा ऑयल और विटामिन ई होता है. ओके तो आफ्टर क्लीनिंग योर फेस एलो लोशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डेली आप इसको अपने हाथ में अपने अपने हाथों में और अपने फेस पे इसको लगा सकते हैं. ओके तो एलो लोशन के बारे में एक छोटी सी वीडियो पहले देखते हैं फिर आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं. Hi, my name is Martin Narangwa and I've been a Forever business owner for 6 years and I absolutely love the products. I'd like to give you a brief insight into some of Forever's core products and today I'm going to be talking about Aloe Lotion. Aloe Lotion is a fantastic product that moisturizes your face, body and hands. It contains nourishing ingredients such as jojoba oil, collagen, vitamin E and elastin to keep your skin smooth and supple. Jojoba oil is derived from the seeds of the jojoba plant and has natural moisturizing properties. Aloe lotion also includes apricot kernel oil, which locks in moisture and creates a lightweight barrier on the skin. This product can be a great addition to your everyday routine if you're prone to dry skin. Use it on your hands after washing to replenish lost moisture, or make it part of your skincare routine. It's a must-have product when I go away on holiday, as it makes the perfect after-sun lotion. It has high aloe content at 66%, and it's ideal for soothing dry, irritated skin, and transforming it into skin that's silky soft and beautiful. Aloe lotion is available in 180ml tubes, and it really is the perfect everyday moisturizer. It should be applied generously, and for best results, it should be gently massaged into skin until it's absorbed. Repeat if required. It's not surprising that Aloe Lotion has remained a staple part of Forever's product catalogue for many years, and it definitely deserves its spot in Forever's top sellers list. You can discover more about other amazing Forever products by watching the remaining videos in our collection. तो जैसे कि इन्होंने बोला था अभी कि इट इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है फॉरएवर के कैटलॉग में. इसमें वो होता है कि दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड आप देख सकते हैं इसमें विटामिन ई सी एंड जोजोबा ऑयल ये सभी चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि आप अपनी ओवरऑल पूरी बॉडी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. ओके इट इज़ एन एक्सलेंट मॉइस्चराइजर और बहुत ज़्यादा चिपचिपा ऐसे कुछ चिपचिपा से बिल्कुल फील नहीं होगा. एंड यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बच्चों को जो डायपर में जो रैशेज डायपर लगाने के बाद जो रैशेज हो जाते हैं उसमें भी लगा सकते हैं. इवन शेव करने के बाद जो स्किन इरिटेट हो जाती है ओके तो उसमें आफ्टर शेव भी आप इसको लगा सकते हैं. सो दैट बिकॉज इसके अंदर 66% एलोवेरा होता है और विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल जो होता है दैट विल हेल्प कि अगर स्किन में थोड़ा सा वियर एंड टीयर भी होता है आफ्टर शेव तो वो भी हेल्प करेगा कि आपकी स्किन वापस प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिले. एंड अगेन इट इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट जो कि डेली यूसेज में आ सकता है एंड एवरीबडी कैन यूज दिस प्रोडक्ट. छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों से लेकर हर कोई इसको यूज कर सकता है. ओके एलो लोशन एक होता है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन वो डिफरेंट प्रोडक्ट है उसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं. दिस इज एलो लोशन. आज गर्मियों का टाइम है एलो लोशन को गर्मियों में भी यूज किया जा सकता है. स्टिकी नहीं होता ये. ओके कैसे यूज करते हैं जेंटली बस मसाज करिए अपने स्किन पे जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए. मैंने इसको यूज किया है जब मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज किया तो मैंने देखा कि थोड़ा सा मैंने इसको रब किया अपनी स्किन में तो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो गया स्किन के अंदर. तो बहुत जल्दी से ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. तब तक इसको मलते रहिए जब तक ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो और बहुत जल्दी से हो जाएगा. और आप यू विल फील इट यू विल फील आपके जो हैंड्स हैं आपके जो स्किन जो है इट विल बी वेरी वेरी मतलब एक तरीके से मॉइस्चराइज रहेगी एंड ड्राइनेस की अगर आपको प्रॉब्लम है विदाउट बींग स्टिकी इट इज अ वेरी गुड लोशन. ओके नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज एपीब्लैंक क्रीम. तो ये आज का फोर्थ प्रोडक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट वन फॉरएवर एपीब्लैंक क्रीम. तो देखिए इसमें बड़ा इसी ट्यूब के ऊपर लिखा हुआ है जेंटली इवन्स स्किन टोन. तो जिन लोगों को देखिए फॉरएवर ये नहीं कह रहा कि इससे आप काले से गोरे हो जाएंगे ऐसा नहीं है बट ये है कि आपका जो स्किन टोन है डेफिनेटली उसमें फर्क पड़ेगा अगर आप इसको डेली यूज करेंगे तो. तो इम्प्रूव्स अपीयरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्शन इवन स्किन टोन एंड वेरी इफेक्टिव फॉर डार्क स्पॉट्स. तो बहुत सारे लोगों के फेस पे कुछ स्पॉट्स होते हैं
या फिर पिंपल्स के स्पॉट्स होते हैं या फिर अलग अलग या फिर अनइवन टोन होता है आपके जो फेस है, जैसे आजकल काफी गर्मी धूप हो रही है तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ पार्ट्स में कुछ अनइवन स्पॉट्स बन जाते हैं धूप की वजह से, तो आप इसको यूज करेंगे तो इट विल इवनली इट इवन्स द स्किन टोन। ओके, सो इसके बारे में भी एक थोड़ी सी एक वीडियो है वो देखते हैं, उसमें बहुत अच्छे से इट इज वेरी फास्ट, इसमें जो ये इंग्लिश बोल रहे हैं बहुत फास्ट इंग्लिश बोल रहे हैं बिकॉज ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, बट इसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है अबाउट एपीप्लाइन क्रीम। और एपीप्लाइन क्रीम जो है ना, ये एक ऐसी क्रीम है जो डेली यूसेज में अगेन आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर योर फेस, इट इज फॉर योर फेस। Over the years, our skin is exposed to extreme challenges. Who would think that a slight sunburn from the past, or even too much unprotected exposure to the sun a few years ago, would show up now in changes to the skin? Yes, and of course, environmental influences, stress or hormonal changes challenge our skin. It often reacts with irregularities in the complexion, but also discoloration, such as age spots, pigmentation spots, and simple common spots. The skin often appears older than one really is. A beautiful, even complexion, as we have in our youth, doesn't have to be a fantasy in later years. Exactly. Although, again, we should be working in the sense of prevention. But even if irregularities and discoloration have occurred, it's not impossible to win back an even, fresh complexion. And this is where our product Forever Epi Blanc with the article number 236 comes into play. Forever Epi Blanc offers special skincare which you can apply specifically to individual areas of the skin. That's why the little tube has a fine-tipped applicator like this. I'll demonstrate it on Ralph. Simply apply directly onto the skin with a fine-tipped applicator and pat it in. Remember, you need to apply Epi Blanc directly after cleansing the face as your first skincare product. And as discoloration and those changes in the skin are usually caused by too much direct sunlight, you mustn't forget to use sufficient sunscreen as well. It's best to combine Forever Epi Blanc with Forever Sunscreen that has the article number 199. Either apply Epi Blanc, as I just showed you, on the desired parts and then add a layer of sunscreen on top, or mix both on the back of the hand and apply directly. This makes more sense if, for instance, you're applying on larger areas such as the forehead. Forever Epi Blanc, with the article number 236, offers an effective combination of aloe vera, vitamin E, and plant extracts such as arbutin and extract of sorrel. These contain valuable flavonoids which absorb free radicals, protecting and improving the texture of the skin. To sum up, Forever Epi Blanc improves the appearance of the skin, gives a more even complexion, and a smooth, fresh skin tone. Contains valuable ingredients such as aloe vera, vitamin E, and plant extracts, is economical and can be applied specifically using the fine-tipped applicator. And don't forget to combine it with the aloe sunscreen, which has the article number 199, and then apply your usual Forever skincare product on top. Okay. तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, एंड जहां जहां पर भी आपको लगता है कि आपकी स्किन टोन में कुछ चेंज, कुछ स्किन टोन आपको इवन करना है, वहां वहां पे इसको यूज करिए, हल्का सा पैच पैक पैक करके इसको वहां पर छोड़ दीजिए। जहां जहां पर भी आपके हो सकते हैं पिंपल्स होने के बाद कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा लगा के हल्का सा उसको हल्का सा वहां पर मल के इसको छोड़ दीजिए वहां पर। और अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो दिस इज नॉट ए सनस्क्रीन, साथ में सनस्क्रीन भी अप्लाई करेंगे, देन इट विल हेल्प की आपकी स्किन रिपेयर भी हो रही है, टोन आपका बेटर भी हो रहा है, कॉम्प्लेक्शन बेटर हो रहा है। एट द सेम टाइम सनस्क्रीन की वजह से क्या होगा कि आपका फेस जो है उसमें सनस्क्रीन की वजह सन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है स्किन में वो नहीं होंगे। ओके, अगेन इसमें भी 100% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल होता है विद विटामिन ई। इन सभी प्रोडक्ट में आप देखेंगे विटामिन ई है, विटामिन ई जो होता है दैट इज अ विटामिन फॉर स्किन, स्किन के लिए सबसे अच्छा विटामिन होता है, तो विटामिन ई इसमें भी है। And again, this is an extraordinary product
which should be used by everybody. And this is for your face only. Okay, puri body mein nahi lagana hai, only for your face. इसको कैसे लगाना है? मॉर्निंग में और सुबह और शाम को, रात को अपना फेस को क्लीन करने के बाद इसको यूज करिए. उसके बाद उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दीजिए. और अगर बाहर दिन के टाइम अगर बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाइए, साथ में मिक्स करके सनस्क्रीन लगा सकते हैं. रात को सोने से पहले इसको लगाइए, फेस धोने के बाद लगा लिए, उसके बाद उसके ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा के फिर सो जाइए. ओके, तो आप देखेंगे स्लोली स्लोली इट टेक्स सम टाइम बिकॉज दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. इट टेक्स सम टाइम और कुछ लोगों को 15 दिन में, कुछ लोगों को 30 दिन में या 2 महीने में. आप धीरे धीरे देखेंगे आपके फेस में काफी सारा निखार दिखेगा. ओके, सो अगेन अ गुड प्रोडक्ट. और ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे जो भी हमने डिस्कस करे, 4 प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस करे, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अगर रेगुलरली यूज किए जाए डेफिनेटली इसका फर्क आपके आसपास में दिखेगा, आपके लोगों को दिखेगा कि आप कुछ यूज कर रहे हैं कुछ अच्छा. और जब आपसे पूछेंगे देन इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू to share these products with your customers. So, मैं बस ये बोलूंगा कि जो भी मैंने आपको नॉलेज दी है ये बहुत ही सिंपल शब्दों में, बेसिक शब्दों में आपको नॉलेज दी है. हम लोगों को कोई स्किन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनना. हम लोगों को क्या, हमको सिंपली प्रोडक्ट को यूज करना है और शेयर करना है. जो भी हमारा फीडबैक है वही फीडबैक सिंपल शब्दों में मैंने आपके साथ शेयर किया. मैं भी आपको बोलूंगा यूज करिए प्रोडक्ट, उसके आगे लोगों को शेयर करिए. और अपनी तरफ से फॉरएवर की बिजनेस की तरह के लिए अगर मैं बोलूंगा तो यू जस्ट बी ऑलवेज स्टे फोकस्ड. सीखते रहिए चीज़ों को. बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सीखिए बहुत सारे. इसका मार्केटिंग प्लान को अच्छे से सीखिए, कंसिस्टेंटली काम करिए और मैसिव एक्शन लीजिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार. विश यू ऑल द बेस्ट.